नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक धमाकेदार न्यूज़ के बारे में, जिस न्यूज़ से आज थोड़ा प्रेडिक्शन भी हम करने वाले हैं डॉज कॉइन को लेकर कि डॉज कॉइन के अंदर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्राइस कहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं और हमें यहाँ पे इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर हम इसमें सिर्फ अंदाजा लगाएं। तो इस चीज़ को लेकर हम डिटेल वाइज बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे बहुत ऐसे भाई हैं जिन लोगों ने डॉज कॉइन को होल्ड करा है और हम डॉज कॉइन को बहुत पहले से एक्यूमुलेट कर रहे हैं, हमने बहुत बार बाय करा, करंटली हम एक से दो गुना प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों ने डेढ़ गुना, किसी ने एक गुना, तो उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। अब इस वजह से अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ लोग तो तीन चार गुना भी कमा चुके हैं जिन लोगों ने एक से डेढ़ साल पहले एंट्री बनाई थी, जब जब हमने इसको लेकर बार बार बात कर चुके हैं। तो फिलहाल इसको लेकर हम डिटेल वाइज बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करता आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो से रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती है, कॉल्स आती है या फिर कोई ऐसी अपडेट रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी रहेगी, बताना रहेगा, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसको यूज करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तीन मिल जाते हैं, उनमें से किस लिंक पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करोगे टेक बाज तब भी आपको चैनल मिल जाता है और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसकी कोई फीस नहीं होती, कोई चार्जेस नहीं होते। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको यहीं पर मिल जाता है, इसी पर टैप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो नियर प्रोटोकॉल को लेकर भी हमने टेलीग्राम पर बात करी थी, जब यहां पे इसकी जो मेजर पार्टनरशिप है जब नहीं हुई थी तभी मैंने आपको इसको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पे और बहुत लोगों ने वहां से उठाया इसको। और अगर आप देखोगे तो इस समय लगभग जो है 400% प्रॉफिट में आप चल रहे होंगे नियर प्रोटोकॉल के अंदर में। ऐसे हमने यहां पे डॉज को लेकर भी बहुत बार अपडेट आपको करा हुआ है। फिलहाल अभी बात करते हैं कि इस समय आपके लिए कौन सी अच्छी अपडेट आई है डॉज कॉइन की रिगार्डिंग और इसका प्राइस भी देखेंगे कहां तक फ्लक्चुएट कर रहा है। तो पहले तो हम देखते हैं इसकी अपडेट को लेकर। इस समय कॉइन टेलीग्राफ पे चले जाओ या फिर आप इलोन मस्क के ट्विटर हैंडल पे चले जाओ, आपको एक न्यूज़ देखने को मिलेगी जो कि हर जगह पहुंच रही है। इस न्यूज़ के अंदर में कहा जा रहा है कि इलोन मस्क ने एक अपडेट करी है, वो डॉज कॉइन की रिगार्डिंग है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है टेस्ला कार को बाय करने के लिए जो पेमेंट मेथड है वहाँ पे डॉज कॉइन को ऐड कर रहे हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है, जैसी अपडेट आई तब से लेकर आप इस समय प्राइस चेक करोगे तो डॉज कॉइन के साथ साथ में कुछ मीम टोकन का प्राइस भी पंप हुआ है। जैसे आप देखोगे तो ये जैसी अपडेट आई है तो इस अपडेट के बाद कहीं ना कहीं मेन चीज़ आपको मार्केट में पंप देखना स्टार्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज़ के अंदर में बाय करने के लिए ऑप्शन इनेबल कर देना चाहिए। तो इस वजह से एलोन मस्क ने शायद यहाँ पे जो बात है आपके रखी है। अब इस जगह पर आप देखोगे तो ये अपडेट बहुत जगह पे अब वायरल हो रही है और इसमें एक वीडियो भी है जो कि आपको देखने मिल जाएगी, ट्विटर पे जाके आप रीड कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। अब जहाँ तक बात रही कि इस ट्वीट के बाद अगर आप प्राइस चेक करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम इसका थोड़ा देखते हैं डिटेल वाइज। जैसे आप देखोगे तो 24 घंटे में 6% दिखा रहा है, बट अगर आप इसको देखोगे तो ये यहाँ तक चला गया था, लगभग 12 से 15% तक प्राइस जो है इसका फ्लैक्चुएट कर रहा था, पंप हुआ था। कॉइन मार्केट के ऐप पे चले जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका प्राइस बहुत अच्छा खासा मूव करा था। तो जो चीज़ है यहाँ पे ऑलरेडी पंप यहाँ पे हो के आई है। अब जहाँ तक बात रही इसके प्राइस को लेकर, तो लगभग जो है इसका जो मार्केट कैप है वो $26 बिलियन का हो चुका है और इसकी जो सर्कुलेशन में सप्लाई है वो लगभग जो है आपको 143 बिलियन के अराउंड देखने को मिलेगी, जो कि 100% इस समय मार्केट में दिखाई जा रही है, सर्कुलेशन में पड़ी है। साइन देखोगे तो बुलिश है और इन्वेस्टर का डाटा मेंशन नहीं है कि किन लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है या फिर किन किन लोगों ने इसमें इस समय पैसा फंसाया, उनका किसी का भी डाटा यहाँ पे इस समय मेंशन देखने को नहीं मिल रहा। साइन देखोगे तो बुलिश है और ऑल टाइम हाई जो है इसने 0.72 बनाया था, जो कि लगभग जो है आप कह दो कि $1 तक हिट नहीं हो पाया था। तो इस बार पॉसिबिलिटीज है कि $1 को हिट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से अपडेट आ रही है तो ये अपडेट कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर डॉज कॉइन धमाका कर सकता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? तो फिलहाल मैं तो डॉज कॉइन को होल्ड कर रहा हूँ, तो आप सब चाहो तो होल्ड कर सकते हो, बाकी आप इस चीज़ को लेकर देख सकते हैं। मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि ये कॉइन एक मीम टोकन है, इसका मेन जो फ्लक्चुएशन की संभावना बनेगी वो इलोन की वजह से बनेगी। अगर इलोन मस्क ने कभी बोल दिया कि मैं इसको बाय नहीं करने वाला हूँ, सेल करने वाला हूँ, उस दिन इसका प्राइस 100% भी गिर सकता है। इस चीज़ के अंदर में पॉसिबिलिटीज जीरो की भी हो जाती है और हीरो की भी बात हो जाती है। मीम टोकन का सिंपल सा फंडा है कि जीरो या फिर हीरो। इस वजह से हमेशा से पोर्टफोलियो को फ्री करने की कोशिश करो, मींस कि अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्री करने फोकस करो कि अगर आप 100 रुपये भी लगाते हो कोई कॉइन के अंदर में जो मीम टोकन है और उसकी वैल्यू 200 हो जाती है, 200 रुपये हो जाती है और आपका मन करता है कि नहीं मैं इसमें अब होल्ड और करना चाहता हूँ, तो आप क्या करो कि 100 रुपये को जो है जो आपने लगाया था उसको निकाल लो, 100 रुपये को कंटिन्यू होल्ड करते रहो, जो आपने प्रॉफिट बनाया था उसको होल्ड कर रख सकते हो। और जब होल्ड करोगे तो प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो टैक्स भी नहीं लगेगा। जो लोग टैक्स के रिगार्डिंग बहुत लोग पैनिक रहते हैं कि भाई टैक्स भरना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर देखोगे तो इस समय मेरे बहुत ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होल्ड करके रखा है, उनके पास वो जब उसको बेचेंगे तब उनको टैक्स भरना है, क्योंकि हमने जितना पैसा लगाया मार्केट में उतना पैसा निकाल रहे हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि जो आप प्रॉफिट बुक करोगे, जो प्रॉफिट आपको होगा उस पर आपको जो टैक्स देना है, तो हम प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पा रहे तो टैक्स कहाँ से देंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे
वो बिकेगा तब हमें प्रॉफिट होगा, तो हमें बेचना तो है नहीं फिलहाल, हम उसको कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं। अब इसके बाद जहाँ तक बात रही कि फिलहाल डॉज कॉइन को लेकर, तो फिलहाल तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, बाकी आप सब देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप सबके मन में क्या चल रहा है कि डॉज को लेकर आप होल्ड करना चाहते हैं या फिर आप प्रॉफिट बुक करोगे, या फिर मेरा वाला जो फंडा हमेशा से जो मैं यूज़ करता हूँ अपना पोर्टफोलियो फ्री करने के लिए, कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता हूँ जो भी अपना स्टॉक में पड़ा होता है, सिर्फ प्रॉफिट को अपने साइड में रख देते हैं, जिससे अपना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनता रहेगा, यानी कि प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता रहेगा और इन्वेस्टमेंट हमारी फ्री रहेगी, तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। कभी पंप डंप भी हुआ तो हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना पड़ता। जैसे आप देखते होंगे कि जब मार्केट डंप भी होता है तो मैं सडनली यहाँ पे पैनिक नहीं होता हूँ, एकदम नॉर्मल रहता हूँ। रीज़न होता है कि हमारे पास जो फंडा है या फिर इन्वेस्टमेंट है हमने उस तरह से बना रखा है, उस तरह से यूज़ करा हुआ है कि पोर्टफोलियो हमारा ऊपर जाए नीचे जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उसमें जो मेन इन्वेस्टमेंट है लगाई नहीं रखी, अपना मेन फंडा तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। ये चीज़ बहुत लोग करते हैं और ये चीज़ मैं खुलकर आप सबके साथ बताता हूँ। बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लोगों को नहीं बताते हैं चीज़ें, मैं खुलकर बताने की कोशिश करता हूँ कि एक इन्वेस्टर खुद भी इस तरह से सेफ होना चाहिए मार्केट में, तभी पैसा कमा सकता है। अगर वो अपने पैसे को बचाना जानता है तो प्रॉफिट गेन करेगा, अगर वो अपने पैसे को बचाना नहीं जानता और सोचे कि मैं क्रिप्टो से पैसा कमा लूंगा, फिर वो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप सोच रहे हो कि 1 लाख का 10 लाख कर ले, तो पहले आपको 1 लाख रुपए को बचाना आना चाहिए, कि आप 1 लाख रुपए को जो लगाओगे उसको आप फिर से वापस लाने की क्षमता रखो, तो ही जाकर आप ट्रेड करोगे तभी प्रॉफिट बना सकते हो। तो इसीलिए पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को फ्री करने के लिए या फिर सेव करने पर फोकस करना चाहिए आपको, यानी ग्रीडीपन नहीं करना, यानी हमें लालची होकर ट्रेड नहीं करनी कि इसमें भी फेंक दिया इसमें भी फेंक दिया और हम यहाँ पे आराम से सो गए हैं कान में तेल डाल के, कोई कॉइन बहुत ऊपर चला गया कोई नीचे चला गया तो बाद में दिक्कत आ जाती है। इसलिए पोर्टफोलियो फ्री करते रहिए साथ साथ में, जिससे लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही क्रिप्टो से रिगार्डिंग, कोई और अपडेट्स रहेगी डॉजकॉइन के रिगार्डिंग या फिर कुछ अदर मीम्स टोकन हैं जो कि हमें बाय करने रहेंगे, तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। इवन आप देख सकते हो प्रोटोकॉल जैसे और भी बहुत से प्रोजेक्ट हमने डिप में उठाए हैं, तो जिनसे प्रॉफिट भी जनरेट करा है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे या फिर डायरेक्टली लिंक पे जाके आप सर्च करोगे टेक के बाद आपको तब भी चैनल मिल जाता है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।